कौन सी संख्याएं होती सम, जो दो से पूर्णता विभाजित हो जाए, या कहें जिन संख्याओं के हम जोड़े बना सकते हैं, या कहें कि जिन्हें हम दो दो करके जगह जगह रख सकते हैं, ठीक है, तो वो संख्याएं कहलाती सम संख्याएं। और विषम संख्याएं कौन सी हैं? वे संख्याएं जो दो से पूर्णता विभाजित हो। तो सम और विषम में फर्क ये है कि जो दो से विभाजित हो जाए वो सम, और जिसमें दो का भाग ना जाए वो विषम, भाग जाए पूरा पूरा, पूर्णता विभाजित हो जाए। पहले एक शब्द लिखा है भाज्य, भाज्य और अभाज्य, तो ध्यान दीजिए, भाज्य वो संख्याएं होती है जिसमें किसी न किसी का, दो से मतलब नहीं, किसी न किसी का भाग के चला जाए, बस खुद से और एक से छोड़ के, दो से चला जाए, तीन से चला जाए, तीन से ना जाए तो पांच से चला जाए, पांच से ना चला जाए सात से चला जाए, किसी से चला जाए, एक से और खुद से छोड़ के, वो संख्या भाज्य। जैसे जैसे कि तुम्हारी कोई संख्या हमने ली 27, अब जो 27 है 27, ये कैसी संख्या है? विषम। कैसी है? विषम। इसमें दो का भाग नहीं जाएगा, लेकिन लेकिन भाज्य है, क्यों? क्योंकि इसमें तीन का भाग चला जाता है, नौ से चला जाए, नौ भी तो तीन का ही तो है, तीन त्रिका नौ, तो तीन से भाग चला जाता तो वो भाज्य है। तो विषम संख्या भी भाज्य हो सकती हैं और सम संख्याएं भी भाज्य होती ही हैं। सम संख्याएं जो होंगी वो तो भाज्य होंगी ही होंगी, लेकिन विषम संख्या भी भाज्य हो सकती। अब बात आई अभाज्य, तो ऐसी संख्या जिसमें ना दो का जाए ना तीन का जाए, किसी का जाना ही जाना नहीं है सिवाय खुद का और एक का, तो वो संख्या अभाज्य। जैसे 23 में किसी का भाग नहीं जाएगा, दो से लेके 22 तक पहुंच जाओ किसी का भाग नहीं जाएगा, सिर्फ 23 के जाएगा और एक। अब आई सह अभाज्य, ध्यान से सुनना, सह, सह का मतलब क्या होता है? जो साथ साथ रहे। सह का मतलब क्या है? जो साथ साथ दो संख्याएं जैसे जोड़ हैं और उनके गुणनखंड किए और उनका एक भी गुणनखंड कॉमन नहीं है, जो दोनों में, जैसे कि मान लीजिए 8 और एक संख्या है 15। अब ध्यान देने वाली बात है, 8 जो है सम संख्या, 8 भाज्य भी है, 15 सम संख्या है, 15 भाज्य भी है, 15 विषम संख्या है, 15 लेकिन भाज्य, लेकिन ये सह अभाज्य है। क्यों? क्योंकि अगर 8 के गुणनखंड करेंगे तो 2 × 8 या 2 × 2 × 2 = 8, और 15 के अगर गुणनखंड करेंगे तो 3 × 5 = 5। अब आप ये देखिए कि क्या इसमें और इसमें कोई ऐसी संख्या है जो दोनों में हो? यहाँ पर कोई ऐसी संख्या है जो दोनों में नहीं है, तो ऐसी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती। आया समझ में? सह अभाज्य संख्याएं कौन सी? यदि उनके गुणनखंड किए जाएं तो दोनों में एक भी गुणनखंड कॉमन नहीं मिलेगा, तो ऐसी संख्याएं सह अभाज्य कहलाती। और भी उदाहरण दे सकते हैं हम, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर हमने ले लिया 26। अब देखिए 8 के गुणनखंड 2 × 4 और 26 के गुणनखंड 2 × 13, 13 × 2 = 26। उस स्थिति में दो दोनों जगह है, तो 8 और 26 सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, ठीक है। तो सह अभाज्य को समझ लीजिए कि उनके गुणनखंड कर दीजिए और एक भी गुणनखंड उनका कॉमन नहीं मिलेगा, ठीक है।